हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ विप्रो शेयर के बारे में। आज के दिन इसमें 52 वीक हाई भी लगता हुआ दिखा है, साथ ही साथ आईटी काफी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है। और गाइस, विप्रो का शेयर आईटी से लेकर निफ्टी तक सबको आउट परफॉर्म करता दिखा है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर जो कि अच्छे खासे रिटर्न दे रहा है, उसको भी विप्रो ने आउट परफॉर्म करा है। अगर इस शेयर में आपके पास भी है पोजीशन या फिर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय, साथ ही साथ बात करेंगे कहाँ रख सकते हैं आप SL और थोड़े से टेक्निकल्स भी जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आ गया, मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, शेयर की बात करें तो 614 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है शेयर, ₹1 की मामूली गिरावट के साथ। आज के दिन शेयर में इसका 52 वीक हाई लगता हुआ दिखा था जो कि 620.90 के लेवल्स पे था। गाइस, शेयर की बात करें तो 616 पे ओपन हुआ, जिसके बाद शेयर में हाई लगा जो कि इसका 52 वीक हाई भी था। उसके बाद शेयर कहीं ना कहीं लो लगाता हुआ दिखाया 610.50 के लेवल्स पे, और शेयर अपने पूरे दिन के मिड में बंद होता हुआ दिखाया कहीं ना कहीं 614 के लेवल्स पे। गाइस, शेयर की बात करें तो 7.7 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम है इसमें, जिसके मुकाबले आज के दिन 3.5 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं, यानी कि कम ही कारोबार होता हुआ दिखाया इस शेयर में। गाइस, शेयर की बात करें तो आपको मैं इस कंपनी के बारे में कुछ बता दूं तो ये आईटी में सबसे बड़ी तीसरे नंबर की मार्केट कैप के साथ कंपनी है। सबसे पहले TCS है, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद विप्रो ही है। मार्केट कैप की बात करें तो 3,37,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है। गाइस, शेयर की बात करें तो मैंने बता ही दिया आपको, शेयर आज 52 वीक हाई यानी 621 के लेवल पे आया था, और 52 वीक लो की बात करें तो 268 के 52 वीक लो है। शेयर ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ टाइम में। अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे तो एक साल की बात करोगे तो 122% के रिटर्न दे चुका है शेयर। छः महीने की बात करोगे तो 39% के रिटर्न के साथ शेयर खड़ा है। तीन महीने की बात करोगे तो 23% के रिटर्न्स दे चुका है। एक महीने में 10% के रिटर्न और एक हफ्ते में 3% के रिटर्न। गाइस, शेयर कहीं ना कहीं अब थमता हुआ दिख रहा है, और आईटी शेयर्स के मुकाबले अभी जो तेजी चल रही है वो मेरे हिसाब से SCL टेक और TCS में बढ़िया तेजी आई है। इन्फोसिस आउट परफॉर्म करता हुआ दिख ही रहा था आपको काफी टाइम से, और विप्रो तो बहुत पहले से ही आउट परफॉर्म कर रहा है, अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट आई है। लास्ट में मैं आपको अपना व्यू भी दूंगा कि बाय कर सकते हैं यहाँ पे या सेल। उससे पहले आप थोड़ी सी टेक्निकल्स की बात करें तो RSI इंडिकेटर की बात करें तो RSI इंडिकेटर 70 पे प्लेस है, यानी कि एकदम फ्लैट है, ओवरबॉट के पास है, तो कहीं ना कहीं एक सावधानी का संकेत मिल रहा है आपको RSI इंडिकेटर से। गाइस, इसके मूविंग एवरेज की बात करें तो शेयर आपको पता है 52 वीक हाई पे तो सारे मूविंग एवरेज दूर होंगे। 20 DMA की बात करें तो 595 पे जो कि सबसे पास है आपके लिए, 595 का 20 DMA जो कि आपके लिए एक पहला SL के रूप में काम कर सकता है। 100 DMA बहुत नीचे हो जाएगा क्योंकि शेयर बहुत बड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाया, तो 100 DMA इसका 521 पे है। 50 DMA 566 पे है जो कि रीसेंट 52 वीक हाई था, और उसको ब्रेक करने के बाद शेयर आपके सामने खड़ा है। तो 50 DMA 566 पे प्लेस है शेयर का, और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वो 457 के लेवल पे है। तो आपके लिए जो इस टाइम एक SL होना चाहिए छोटा सा, जिसके पास पोजीशन है वो 595 20 DMA के पास या 585 के पास रख सकता है, जो कि भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा हालांकि, बट यही निकल के आ रहा है। अभी बात करते हैं गाइस इस शेयर के बारे में थोड़ा सा, और इसके डिटेल्स जान लेते हैं, फाइनेंशियल्स के बारे में जाने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3,37,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है मार्केट कैप। इसके सेल्स की बात करें तो इट हैज़ रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड सेल्स ऑफ ₹18,252 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3,242 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड June 2021, यानी कि 3,242 करोड़ का प्रॉफिट आया था जून के क्वार्टर में, और 18,252 करोड़ की सेल आती हुई दिखी थी, और 3,37,247 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और कंपनी टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर्स को बोनस देती हुई आ रही है, और स्प्लिट के भी आपको पता ही है बढ़िया काम काज है और बढ़िया आपको रिवॉर्ड देती हुई आई है अपने इन्वेस्टर्स को। गाइस, वॉल्यूम्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ मैं डिलीवरी की बात करूँ तो कल के दिन यानी फ्राइडे के सेशन में 27% की डिलीवरी होती हुई दिखी थी। 5 दिन के मूविंग एवरेज की बात करें तो 33% की डिलीवरी होती हुई दिख रही है, और अगर 30 दिन के एवरेज की बात करें तो 30% की डिलीवरी होती हुई दिखी है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल डिलीवरी का माहौल कम है। गाइस, अभी मैं बात करता हूँ अपने व्यू के बारे में, आपको बाय करना चाहिए या सेल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेश एंट्री के बारे में, मेरी राय नहीं होगी गाइस यहाँ पे कोई भी फ्रेश एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि
कहीं ना कहीं मुझे ये शेयर में कंफर्ट नहीं आता इन लेवल्स पे बाय करने का। जैसे कि RSI भी आपने देखा 70 पे प्लेस है, तो थोड़ा एक डिप का वेट करें फिर बाय करें। हालांकि जिनके पास पोजीशन है नो डाउट शेयर बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न्स देता हुआ आया है और देता हुआ रहेगा। अब बात कर लेते हैं जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अदरवाइज अपने शेयर को वो होल्ड भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया शेयर है, बट इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाए। डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी 585 के लेवल्स पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये मेरी ओवरऑल वीडियो विप्रो शेयर पे, होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।